हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम नीलू है, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है द नीलू शो। आज हम आर्टिकल 370 मूवी के ऑफिशियल टीजर पर रिएक्शन देंगे। इसमें यामी गौतम है और प्रियमणि है। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने रिएक्शन पे। कश्मीर में टेररिज्म एक धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। आउट ऑफ 29 स्टेट्स मैक्सिमम फंडिंग सेंटर से कश्मीर को आती है ताकि वहां अमन बना रहे, पर वहां के टॉप पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स अपनी जेबें गर्म रखने के लिए सालों से कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का भर भर कर फायदा उठाते हैं। कितना भी जोर लगा ले, जब तक ये स्पेशल स्टेटस है हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। ये पीएम अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो भी 370 को हटा नहीं सकते। सभापति महोदय, आज दिनांक 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी खंड नहीं लागू होंगे। ये टीजर ना कश्मीर सच में बहुत ब्यूटीफुल। मैंने वीडियोस देखी है, मैं पर्सनली गई नहीं हुआ, बट जिस तरह से ये टीजर शुरू हुआ, कश्मीर की खूबसूरती दिखाते हुए, लाइक वहाँ की गलियाँ, वहाँ की खूबसूरत वादियाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। बट द मोमेंट वो सीन शिफ्ट हुआ तो 70 साल से जो चल रहा था वहाँ, वो सब दिखा रहे थे कि करप्शन, टेररिज्म, जो भी पॉलिटिशियंस अपने फ़ायदे के लिए जिस किस तरह लोगों को इस्तेमाल करके अपनी जेबें भरते हैं, वो सब देख के बहुत गुस्सा भी आ रहा था एज एन इंडियन, क्योंकि ये सब कोई भी डिजर्व नहीं करता यार। इस तरह ट्रीट करना, इस तरह अपने फायदे के लिए किसी और की नुकसान करना, बट ऐसे हुआ है। और एक डायलॉग जहाँ था कि और भी 10 साल मिनिस्टर रहेंगे फिर भी 370 हटा नहीं पाएंगे, बट अब तो हट गया। बहुत अच्छा लगा वो डायलॉग जिस तरह बताया गया है। और आई एम नॉट श्योर यामी गौतम और प्रियमणि किस तरह का रोल प्ले कर रही हैं। यामी गौतम तो लगता है कि वो कुछ पुलिस फोर्स में है, पुलिस फोर्स में कुछ कोई हायर पोजीशन में होंगी, और प्रियमणि पॉलिटिक्स में होंगी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इन दोनों ने मिल के इस कश्मीर इशू को सॉल्व किया है। इस मूवी में इस तरह दिखाया गया है, पता नहीं क्या हो सकता है, बट बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि टू विंस को लेके जो हमने महसूस किया है, जो हमने देखा है, हमें हमारे आंखों के सामने हुआ है, उन चीज़ों को लेके इन्होंने फिल्म बनाई है। कई कई कुछ ऐसी सीन्स भी ऐड हुई होंगी इस फिल्म में जो हम नहीं जानते, जो हमें मीडिया में दिखाया नहीं गया हो, क्योंकि मूवीज़ में बहुत, जब मूवीज़ बनाते हैं ना तो बहुत सारा ग्राउंड वर्क करते हैं। तो आई थिंक जो भी कभी कभी कुछ होते हैं मूवीज़ जो गलत इरादे से भी मीडिया वाले बताते रहते हैं, तो आई एम नॉट श्योर किस तरह का नया पहलू देखने मिलेगा इस मूवी से, बट I'm interested in this. So, अभी तो 370 हट गया है तो सब लोग खुश हैं वहाँ। और मैंने रिसेंटली न्यू ईयर के टाइम एक वीडियो भी देखी थी कि 75 साल में पहली बार कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ जो रहते हैं वो लोग अपने न्यू ईयर मनाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और खुशी भी उनके लिए कि उनकी कोई गलती नहीं थी यार,
उनकी कोई गलती नहीं थी कि वो इस तरह की जिंदगी जिए, बट क्या कर सकते हैं, अभी जो पास्ट है वो भुला नहीं सकते, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम आज को बुला दें या फिर आने वाले कल को बुला दें। पास्ट को लेके ही दिल में रख के ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। तो अभी मैं उनके लिए खुश हूँ कि उनको नॉर्मल ज़िंदगी जीने मिल रही है, और मैंने थोड़े वीडियोज़ भी देखे हैं जहाँ उनकी यू नो टूरिज़म बढ़ने से उनकी जो बेरोज़गारी वो चली गई है, वो खुद के पैर पे खड़े हो सकते हैं, और कमाई भी चल रही है उनकी, तो नॉर्मल हो गई उनकी लाइफ, हम जैसे जीते हैं उनकी भी ऐसी होने लगी अब बिना कोई यू नो झगड़ों के। रोज़ झगड़े देख देख के उनको भी ऐसा नई ज़िंदगी, उनको ऐसा लग रहा होगा कि नई ज़िंदगी मिल गई है, तो आई एम हैप्पी फॉर देम। आप बताएं आपको ये टीज़र कैसा लगा और मेरा रिएक्शन भी कैसा लगा, वो भी प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।